आज की वीडियो हम बात करेंगे आईएएस कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। तो देखो, इस वीडियो हम जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, सारी कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी तरह की कैटेगरी में हम एज जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि आईएएस के लिए जो फॉर्म आती है वो किस महीने में आती है, इसका एग्ज़ाम कब होता है, जो फॉर्म होती है उसकी अप्लाई करने में आपको कितनी फ़ीस लगेगी। उसके बाद हम जानेंगे कि जो एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपको किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आपको कितने मौके मिलेंगे एक आईएएस बनने के लिए, तो ये सारी बातें करेंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी और उसके साथ साथ आपको क्या सुविधाएँ मिलेंगी। तो दोस्तों, ये सारी बातें आज की वीडियो हम करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, अगर आपके अंदर तीन बातें हैं तो आप ज़रूर बन सकते हो। वो तीन बातें क्या हैं? सबसे पहली बात डेडिकेशन, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो राइट डायरेक्शन, और जो थर्ड है वो पेशेंस। देखो, बहुत सारे लोगों में पेशेंस होता ही नहीं है, वो दो से चार मिनट की वीडियो पूरी नहीं देख सकते, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। मान लो कि वीडियो 5 से 10 मिनट की होती है, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आप पूरी चीज़ समझ नहीं पाओगे। मतलब कि आपके अंदर 5 से 10 मिनट तक भी पेशेंस नहीं है और आप आईएएस कैसे बन सकते हो, बताओ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इस वीडियो को कब तक देखा, कितना देखा है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होगे, जो चाहोगे वो कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट में बताना कि आपने इस वीडियो को कितना देखा। तो चलिए, अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हर साल एक एग्ज़ाम कराती है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप आईएएस बन सकते हैं। इसके बारे में अब हम पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो देखो, आईएएस बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपको एक आईएएस बनना है तो सबसे पहले आपको 12th पास करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 12th आप किस स्ट्रीम से पास कर सकते हो, क्या आर्ट्स स्ट्रीम वाले आईएएस बन सकते हैं, या फिर साइंस वाले बन सकते हैं, कॉमर्स वाले बन सकते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, चाहे आपने आर्ट्स स्ट्रीम ली हो, चाहे आपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की हो 12th में, या फिर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की हो, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आप एक आईएएस बन सकते हो। 12th पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम में। फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करनी है, किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, या फिर आपने बीटेक किया है तब भी, बीबीए किया है तब भी, मेडिकल किया है तब भी, यानी कि बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से। क्योंकि यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाए तो उसमें आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप वहाँ पर एलिजिबल हो ही नहीं। अब हम जानते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। देखो, एज यहाँ पे अगर आप एक जनरल कैटेगरी हो तो आपकी एज होनी चाहिए 21 साल से लेके 32 साल तक, यानी कि 21st से लेके 32nd ईयर तक। उसके बाद अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपकी जो एज होनी चाहिए 21 साल से लेके 35 ईयर तक। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो तो जो आपकी एज होगी वो 21 साल से लेके 37, यानी कि 37 साल तक के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप जेएनके, यानी कि जम्मू कश्मीर से हो, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है वो 21 साल से लेके 37 साल तक है। ओबीसी के लिए जो है 21 साल से लेके 40 साल तक है। एससी एसटी के लिए 21 साल से लेके 42 साल तक है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो जो जनरल और ओबीसी की एज लिमिट है वो 21 साल से लेके 42 साल तक है, और एससी एसटी के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गया पूरा एज सारे कैटेगरी के लिए सब तरीके से। अब हम बात करते हैं कि आपको अटेम्प्ट्स कितने मिलेंगे। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको टोटल 6 अटेम्प्ट्स मिलेंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर आप एक ओबीसी से हो तो आपको 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको जब तक आपकी एज लिमिट रहेगी तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दिया लेकिन आप एग्ज़ाम देने नहीं गए तो आपका काउंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म अप्लाई करने से काउंट नहीं होगा, जब तक आप एग्ज़ाम में नहीं बैठते हो तब तक आपको काउंट नहीं मिलेगा। और इस तरीके से आपको 6 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट इस तरीके से आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा। अब हम जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखो, ये जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है इसमें बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रीलिम्स, सेकेंड मेंस एग्ज़ाम, और थर्ड इंटरव्यू। अब हम जानते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ नोट करके रखी ताकि मैं कुछ भूलूँ ना। देखो,
प्रीलिम्स में दो तरह के पेपर होते हैं, यानी कि दो पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का, एक सी सेट का। जनरल स्टडीज़ और सी सेट ये दोनों 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, और जो जनरल स्टडीज होता है इसमें आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं, और जो सी सेट का पेपर होता है इसमें आपको 80 यानी कि 80 क्वेश्चन आते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन MCQ टाइप होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको चार ऑप्शन मिलेंगे और जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। जनरल स्टडीज में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, जनरल इशू जैसे कि देश दुनिया में क्या चल रही है, कहाँ कौन सी बात हुई, तो इस तरीके की जो चीज़ देश दुनिया में चल रही है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे जनरल स्टडीज़ के पेपर में। अगर हम सी सेट के पेपर की बात करें तो इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो जो कि जो बैंकिंग या फिर SSC रेलवे वगैरह के जिस तरीके के पेपर आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपको सी सेट में आएंगे। ये प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप समझ गए प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज, एक सी सेट, दोनों में क्या आते हैं मैंने आपको बता दिया। देखो इसमें जो सेकेंड पेपर होता है यानी कि जो सी सेट का पेपर होता है इसमें बस आपको पास होना जरूरी है, पास यानी कि आपको 33% मार्क्स आने चाहिए, यानी बस इसमें आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है जो कि जनरल स्टडीज का होता है इसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। सेकेंड पेपर में बस अगर आप पास भी हो तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो अब बात आती है मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 1750। जो 9 पेपर होते हैं इसमें जो आपके 7 पेपर होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। और जो बाकी के बचे 2 पेपर है उसमें बस अगर आप सिंपल पास भी हो यानी कि 33% मार्क्स भी है तब भी आप आगे की ओर निकल जाओगे। देखो जैसे कि मैंने बताया कि मेंस एग्जाम में 9 पेपर होते हैं, तो जो भी 9 पेपर होते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उनमें क्या क्या सिलेबस होते हैं वो सारी चीज़ आपको लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। अगर मैं अभी बताऊंगा तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप सारी चीज़ बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना। लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि पूरा देखना है ना, पेशेंस आपको अपना दिखाना है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने प्रीलिम्स भी क्लियर कर ली, मेंस भी क्लियर कर ली, तो उसके बाद क्या, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। अगर आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि UPSC जो ये हर साल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कराती है इसका फॉर्म कब आता है, कितनी फीस लगती है। तो देखो इसका जो फॉर्म आता है वो फरवरी मार्च के महीने में हर साल आता है। उसके बाद अगर आप अप्लाई कर देते हो तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो मई के महीने में होगा, और जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा वो आपको जुलाई के महीने में आएगा। उसके बाद जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा वो सितंबर के महीने में आएगा, और जो मेंस का रिजल्ट आएगा वो आपको दिसंबर के महीने में आएगा। उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो इंटरव्यू होता है वो 45 मिनट का होता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं या तो उसे हिंदी में भी दे सकते हो या फिर इंग्लिश में भी दे सकते हो, यानी कि आपके पास दो लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब हम फाइनली बात करते हैं सैलरी की। देखो आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके एक IAS ऑफिसर आप बन गए, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी। तो देखो ये सैलरी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या है, आप कौन से पोस्ट पे हो। लेकिन जो मिनिमम सैलरी होती है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग वो आपकी 56,100 होती है, यानी कि 56,100 रुपये अभी के अकॉर्डिंग। आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत तरह की सुविधाएँ भी मिलती है, बहुत तरह के अलाउंस भी मिलते हैं, यानी कि बहुत तरह के भत्ते भी आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर आप घर में रह रहे हो तो उसका आपको भत्ता मिलेगा, व्हीकल अलाउंस मिलेंगे, उसके बाद आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, कहीं आप जा रहे हो तो ट्रैवलिंग के लिए आपको अलाउंस मिलेंगे। तो बहुत तरीके के इसमें आपको अलाउंस मिलते हैं, और उसके अलावा बहुत तरीके की आपको सुविधाएं भी मिलती हैं। एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग कहते हैं जिससे आप सुनिए कि यार सबके पास की बात थोड़ी ना है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो आप एक मुझे बात बताओ, जितने लोगों का सिलेक्शन होता है उनका तो होता है ना, तो आपका क्यों नहीं हो पाएगा, आप भी तो उनमें से एक हो। तो किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए कि नहीं हो पाएगा, बहुत हार्ड है, ऐसा है, वैसा है। अगर आप ये सोचोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आप खुद की मेहनत पे भरोसा रखो, सही डायरेक्शन में मेहनत करो, डेडिकेशन साथ करो, क्यों नहीं होगा यार। तो लोगों की बात सुनना छोड़िए, आपका जो काम आप वो करिए और प्रूफ करके दिखाइए। तो दोस्तों ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया IAS ऑफिसर के बारे में कि कैसे आप एक IAS ऑफिसर बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, और आप कमेंट में आपको कुछ पूछना है तो आप वो बताइए। अगर मैंने कुछ चीज़ कुछ पॉइंट मिस कर दी तो आप वो भी चीज़ कमेंट पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और एक और बात, आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप इस वीडियो को कब तक देखा, कितने टाइम तक देखा, मुझे अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाइए
और एक और जो वेबसाइट खुलेगी उसको पूरा डिटेल पढ़ी, उसमें मैंने आपको सारे पेपर के बारे में, सारे सिलेबस के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया। वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती जितना मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो चीज़ आप बिल्कुल पढ़िए, और उसके साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक तो जरूर से करना ही है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।